नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग दो प्रकरण उत्साह और अटल नहीं रही है। विधा पद्य शैली कविता आधुनिक कविता लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी ने रहा है। आज अध्ययन के क्रम में मैं निम्न बिंदुओं से अध्ययन आरंभ करूंगा। सर्वप्रथम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्यिक परिचय आपको दूंगा। तत्पश्चात निराला जी की प्रमुख कृतियों से आपको परिचित कराऊंगा और इसके उपरांत भाषा शैली का हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्य में क्या स्थान है। प्रिय शिक्षार्थियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म माघ शुक्ल 11 संवत 1955 तदनुसार 21 फरवरी 1899 को रविवार के दिन हुआ। बंगाल महिषागर रियासत जिला मैदिल यहां आपका जन्म हुआ। 1930 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म दिवस बसंत पंचमी पर मनाने की परंपरा का चलन हुआ। निराला जी की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। शिक्षा महात्मा कबीर के पश्चात हिंदी साहित्य जगत में यदि किसी फक्कड़ और निर्भीक कवि का जन्म हुआ है तो वे थे महाकवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कबीर से आप परिचित हैं इसलिए मैंने कबीर का उल्लेख किया। 9th में आपने कबीरदास जी की रचना पढ़ी, मौको कहाँ ढूंढे रे बन के मैं तो तेरे पास। आपने कबीरदास जी की इस रचना का रसा स्वादन किया, ज्ञान प्राप्त किया और कबीरदास जी से आप परिचित। छायावाद की बृहत्तई और चतुष्टयी में भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सम्मानित स्थान है। निराला जी को अपने प्रारंभिक जीवन में अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। पिता पंडित राम सहाय जी महिषादल में नौकरी की, वहां रियासत में उनका बड़ा सम्मान था। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। पिता पंडित राम सहाय जी ने अपने पुत्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पालन पोषण बहुत दुलार प्यार से किया। दुर्भाग्य की बात, जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मात्र 3 वर्ष की अवस्था के थे, 3 वर्ष की आयु के थे, अल्प आयु के, आपकी माता जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की माता जी परलोक से हार गए। 13 वर्ष की आयु में ही, 13 वर्ष की अल्प आयु कर सकते हैं, 13 वर्ष की अल्प आयु में ही साहित्यिक अभिरुचि से संपन्न मनोहरा देवी से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मनोहरा देवी जी भी अधिक साथ नहीं निभा पाए और वे भी परलोकवासी हो। 1919 में जब महामारी फैली,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिता एवं चाचा महामारी की भेंट चढ़ गए। महामारी ने काल का उल्लेख कर दिया और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पिता की मृत्यु के बाद बहुत टूट गए थे। उनका हृदय बहुत आघात को आघात का अनुभव कर रहा था। परिवार के समस्त दायित्व उनके कंधों पर थे, परिवार के भरण पोषण का दायित्व, और इस दायित्व को पूर्ण करने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महिषादंडी की नौकरी की, किंतु स्वजनों के किसने से वंचित होने के कारण उनके हृदय को जो आघात पहुंचा, वे ठीक से अच्छे भली प्रकार नौकरी नहीं कर पाए और घुमक्कड़ हो गए, यायावर हो गए, जगह जगह भटकने लगे। इसी बीच उन्हें पर्याप्त आर्थिक संकटों से भी जूझना पड़ा। इसी तरह सन 1942 तक वे लखनऊ में रहे, बाद में प्रयाग में गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी से बहुत आत्मीयता मिली। महादेवी वर्मा जी उन्हें अपना भाई मानती थी, उन्होंने निराला जी को अपना भाई बना लिया था, राखी मानती थी, हर वर्ष जीवन पर्यंत वे उन्हें राखी बांधती थी, अंतिम जब तक वे थी इस संसार। प्रिय शिक्षार्थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की माता के विषय में साहित्य में अधिक नहीं लिखा है, फिर भी मैं आपको परिचित करा रहा साहित्य में जाने जाने पहले नहीं साहित्य साहित्य निराला जी की माता जी के विषय में अधिक नहीं लिखा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की माता जी धार्मिक विचारों वाली महिला थी, सूर्य देव का व्रत रखती थी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म भी रविवार को ही हुआ। अतः पहला नाम उनका सूर्य कुमार रखा गया था, बाद में यही नाम सूर्यकांत हो गया। उनके विशिष्ट व निराले स्वभाव के कारण लोग उन्हें निराला कहने लगे। निराला जी अपनी पुत्री सरोज से बहुत स्नेह करते थे और अपनी पुत्री का असामयिक निधन, वह भी बहुत अभाव से ग्रस्त होकर, इस अवसादपूर्ण घटना से व्यथित होकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज स्मृति कविता को लिखा। दुख और कष्ट से परिपूर्ण उनके व्यक्तित्व में अहम की मात्रा बहुत अधिक थी। अहम स्वाभिमान झलकता था। निराला जी अपने लिए कठोर थे तो दूसरों के लिए नितांत कोमल, दूसरों के दुख को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठता था। ऐसे महामाना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी 15 अक्टूबर 1961 को रविवार के दिन प्रसिद्ध चित्रकार कमला शंकर जी के दारागंज प्रयाग इलाहाबाद वाले मकान में प्रातः 2:23 पर स्वर्ग सिधार गए। प्रिय शिक्षार्थियों, अब दृष्टिपात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृतियों।
कौन सी विधा है जिस पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कलम न चलाई हो और अपनी छाप न छोड़ी। मैं आरंभ करूंगा पद्य काव्य। पद्य काव्य में अनामिका कृति का नाम, परिमल गीतिका, अनामिका दूसरा खंड। ये अनामिका दो खंडों में है। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतपुंज, साध्य काव्य आदि वो रचनाएं हैं पद्य काव्य रचनाएं जिन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रसिद्धि दिलाई। उपन्यास की जब बात करें, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे और चमेली। चमेली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अपूर्ण उपन्यास, वे इसे पूरा नहीं कर पाए तो उनका स्वर्ग होगा। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह में लिली, सखी, सुकून की बीवी एवं चतुरी चमार, रेखा चित्र, कुल्ली भाट, बिल्ले सुर, बकरीहा और निबंध में, निबंध कृति में प्रबंध पद्य, ये निबंध की जो पुस्तक है उसका नाम प्रबंध पद्य। प्रबंध प्रतिभा एवं चापल्य, आलोचना ग्रंथ रविंद्र कविता आनंद इत्यादि आपके प्रसिद्ध निबंध। प्रिय शिक्षार्थियों, भाषा हमारे अध्ययन का गंभीर विषय। निराला जी की भाषा को साहित्यकार चार भागों में विभक्त करते हैं। पहला प्रौढ़ सशक्त एवं ओजस्वी भाषा, माधुरी पूर्ण सामयिक भाषा। दूसरा माधुर्य पूर्ण सौष्ठवी भाषा। तीसरा सरल सुबोध एवं व्यावहारिक भाषा। और चौथे जो भाग है उसमें बोल चाल की साधारण भाषा। प्रिय शिक्षार्थी, निराला जी ने भाषा के विषय में स्पष्ट लिखा है कि हम किसी भाव को जल्दी और आसानी से तभी व्यक्त कर सकेंगे जब भाषा पूर्ण स्वतंत्र और भावों की सच्ची अनुगामी होगी। शैली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की शैली मनुष्य का स्वरूप है, वह उसके आंतरिक भावों का प्रतिरूप है। महाप्राण निराला जी की शैली के कई रूप हैं। प्रमुख रूप इस प्रकार है। पहला समास प्रधान शैली, दूसरा सरल व्यावहारिक
तीसरा सुबोध एवं साष्टव प्रधान शैली और चौथा व्यंग्य प्रधान शैली। आज के अध्ययन का अंतिम बिंदु निराला जी का साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान। जब हम साहित्य में स्थान की बात करते हैं तो निराला जी हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान रखते हैं। साहित्य जगत में मुक्त छंद के प्रणेता बन रहे जीवन साहित्य समाज के सर्वत्र नवीनता छायावादी प्रगतिवादी दार्शनिक अद्वितीय प्रतिभा के महान कवि महान महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी ने छंद भाषा और भाव ऐसी अन्य प्रकार की नवीन चेतनाएं प्रदान की हैं। उनके अंदर तत्वज्ञान रहस्यवादी सामाजिक चेतना का पूर्ण रूप से विद्यमान होगा इस बात का परिचायक है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का स्थान कोई नहीं ले सकता। आज के लिए इतना।